नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, सभी विकलांग पेंशन धारकों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से तीन हज़ार रुपये पेंशन राशि को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जो कि इसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। अगर आप एक पेंशन धारक है या आपके परिवार में, फैमिली में कोई विकलांग पेंशन धारक है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और किस तारीख में सरकार द्वारा विकलांग पेंशन धारकों के बैंक खाते में ये पेंशन राशि को ट्रांसफ़र किया गया है, उसकी जानकारी हम आपको प्रूफ के साथ दे देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ सभी जानकारी देने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्पस नेम है पेंशन टू, यानी कि डिफरेंटली एबल टू पर्सन, डिफरेंटली वे पेंशन धारक को शामिल किया गया है जो विकलांग है या कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है। यहाँ पर ये आप नाम पढ़ सकते हैं, जितने विकलांग या कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक होंगे तो पेंशन पर्पज़ में ये आपको लिखा मिलेगा। अब इन लाभार्थियों को अकाउंट बेस्ड सरकार की तरफ से पेमेंट किया गया है, बैंक का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बैंक का जो IFSC कोड है वह हमने हाइड किया हुआ है। अमाउंट 3000 रुपये, यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हैं 3000 रुपये लिखे भी हुए हैं पेंशन के। रिक्वेस्ट की गई थी 13 मई 2024 को, वैलिडेशन स्टेटस कंप्लीट हो गया था 13 मई 2024 को ही, और इसमें समय भी बताया गया है। अब इसके बाद यदि आप नीचे देखिएगा फंड स्टेटस में अप्रूव्ड बाय एजेंसी द्वारा अप्रूव्ड किस तारीख में हुआ था, ये भी 13 मई 2024 को हो चुका था। जो फाइल स्टेटस है बैंक रिसीव, यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक रिसीव में 13 मई 2024। अब इसके बाद नीचे आप आइएगा, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा, यहाँ पर क्रेडिट स्टेटस में पेमेंट सक्सेस, यानी कि सफलतापूर्वक पेमेंट भुगतान हो चुका है। जो PFMS ID नंबर है वह हमने हाइड किया हुआ है, UTR नंबर भी हमने हाइड यहाँ से किया हुआ है। बैंक ट्रांजैक्शन डेट वह अपडेट नहीं की गई है, केवल क्रेडिट डेट अपडेट की गई है, यानी कि भुगतान करने की तारीख आप यहाँ पर देख सकते हैं 14/5/2024, यानी कि 14 मई 2024 को इन लाभार्थियों के बैंक खाते में, जो कि विकलांग पेंशन धारक हैं, इनके बैंक खाते में सरकार की तरफ से 3000 रुपये पेंशन ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। अब बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि ये पेंशन राशि किस महीने की ट्रांसफ़र की गई है, तो देखिए यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो लाभार्थियों के बैंक खाते में ये मई के महीने पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है, यह अप्रैल महीने की है। जी हाँ, अप्रैल महीने की जो पेंशन राशि है अप्रैल 2024 की, सरकार ये लाभार्थियों बैंक खाते में मई के महीने में ट्रांसफ़र कर रही है। तो आप कह सकते हैं इस राज्य के अधीन आने वाले जितने भी विकलांग या कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक हैं, उनको सभी मई के महीने से पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो गया है। जी हाँ, 14 मई के महीने से ही, यानी कि मई के महीने से ही ये पेंशन लाभ मिलना लाभार्थियों को शुरू हो गया है। अब जिन लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिली सरकार की तरफ से, उन्हें भी जल्दी पेंशन राशि का लाभ दे दिया जाएगा। बस आपके पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। यदि किसी पेंशन लाभार्थी के आवेदन फॉर्म में कोई गलतियां पाई जाती हैं तो उनकी पेंशन को रोक लिया जाएगा। अब देखिए किस राज्य में विकलांगों को ये पेंशन राशि दी गई है, अप्रैल महीने की मई महीने में ट्रांसफ़र की गई है, तो चलिए इसका हम आपको प्रूफ दिखा देते हैं। अब ध्यान से आप इसको देखिए और समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर स्कीम कोड भी दिया गया है, स्कीम कोड है 176 स्कीम कोड। अब राज्य है हरियाणा,
देख रहे हैं, जैसे दिल्ली को बोला जाता है DL शॉर्ट फॉर्म में, HR यानी कि हरियाणा, हरियाणा को बोला जाता है HR, उत्तर प्रदेश को बोला जाता है UP, उत्तराखंड को बोला जाता है UK, हिमाचल प्रदेश को बोला जाता है हिमाचल प्रदेश HP, अब मध्य प्रदेश को बोला जाता है MP। तो इसी प्रकार से जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा को बोला जाता है HR। तो आप कह सकते हैं हरियाणा राज्य में सभी विकलांग और कुष्ठ अवस्था लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो गया है, और बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन भी ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब यदि आप भी हरियाणा राज्य के अधीन आने वाले विकलांग या कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, आप भी ऑनलाइन अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस देखना चाहते हैं, पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे देखें, तो वह हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई गई है कि आप PFMS के माध्यम से ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। उस वीडियो पर क्लिक करके आप तरीका जान सकते हैं कि कैसे ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस देखा गया है, उस वीडियो में तरीका बताया गया है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन ये करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, ताकि जो अन्य पेंशन धारक है उनके पास तक भी यह जानकारी पहुँच सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।